टेस्टी खाने में आपका स्वागत है। आज हम सांगली का स्पेशल भड़ंग बनाने जा रहे हैं और ये भड़ंग इस तरीके से आप बनाओगे बहुत स्वादिष्ट बनता है। और उसमें लगने वाला ये सामान है सारा, ये मुरमुरे लिए हुए हैं, ये मूंगफली है, ये लाल मिर्च है, नमक, एक पीसी हुई चीनी है, मैंने घर में ही चीनी पीस के ना इसका पेस्ट बना लिया है, जीरा है, राय, हल्दी, ये हींग है, ये फरसाना कह के ना, ये महाराष्ट्र में ये नमकीन मिलती है फरसाना, ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, और ये भुने हुए चने की दाल है, खोपा और लहसुन, और ये लहसुन कूटने के लिए ना ओखली है ये। पहले तो हम ये मसाला सारा फ्राई कर लेंगे, फिर उसमें मिक्स करेंगे। ये लहसुन मैंने ज़्यादा नहीं छीला है, हल्का हल्का छीला है इसको, ये थोड़ा सा हल्का मैं कूटूंगी, ज़्यादा नहीं इसको कूटूंगी मैं, ताकि लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा था। छिलके के साथ जो भड़ंग जो बनता है उसमें छिलके के साथ जब लहसुन डालते हैं ना उसमें मसाला भी लग जाता है, लहसुन भी ऐसे मसाला भड़ंग में से ना मसाला लहसुन खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, ताकि सारा मसाला इसमें लग जाता है और लहसुन का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं ज़्यादा नहीं कूटा, बस हल्का सा कूटा इसको। ये मुरमुरे है ना ये चावल से बनते हैं, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ये मेरे को कमेंट में बता देना आप। ये मैंने तेल गरम होने के लिए रखा था, तेल गरम हो चुका है, तो ये भड़ंग में ना ये मूंगफली पहले भून लेते हैं। मूंगफली जब भूनते हैं ना तो आप मूंगफली ऐसे कड़कड़ानी चाहिए, उसमें कड़कड़ापन आना चाहिए मूंगफली, तभी मूंगफली स्वाद लगती है इसमें। ये मूंगफली भी चटकती है, ये देखिए ये देखिए ये मूंगफली हमारी भून चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। अब एक खोपे को भी हम हल्का सा भूनेंगे इसमें, फ्राई करेंगे ये देखिए हल्का सा भून चुका है, इसको निकाल लेते हैं। पहले तो हम राय डालेंगे, फिर डालेंगे जीरा, जो कड़ी पत्ता लिया है वो कड़ी पत्ता डालें, ये डालेंगे लहसुन, लहसुन हमने कूट के लिया था ना वो
निकालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। बड़े में ना हिंग से स्वाद अच्छा आता है। जो मसाले रखते थे वो मसाले डालेंगे। नमक है, नमक नहीं तो आप अपने हिसाब से डाल देना, जैसे मुरमुरे कम हो ज्यादा हो उस हिसाब से आप डाल देना। ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, जो हमने ये चने की दाल ली थी ना वो डालेंगे इसमें। दाल ये भुनी हुई है? हाँ, ये भुने हुए चने। घर की दाल नहीं डालनी थी? हाँ, ये मार्केट में मिल जाती है। हाँ, भुनी हुई दाल बोलो, चने की भुनी हुई दाल दे दो बोलोगे ना तो वो दाल मिल जाती है। ये मेरा खोपा और मूंगफली तो पहले से भुनी हुई है तो मैं गैस बंद करके इसको डाल लेती हूँ। मसाला बना हुआ है, यही इसमें मुरमुरे में डालेंगे हम ऊपर से ऐसे, फिर मिक्स करेंगे इसको। ये जो फरसाने वाले नमकीन गए ना इसके ऊपर से डालो। चीनी है, चीनी जिसको मीठा हल्का पसंद है वो डाल लेना, जिसको पसंद हो वो डाले, ना पसंद हो ना डाले। अब इसको मिलाएंगे हाथ से अच्छी तरह। ये हाथ से मिक्स ही करना ही पड़ता है इसको, तभी इसका स्वाद सारे मुरमुरे में लग जाता है। मसाला सारे, मतलब मसाला सारे मुरमुरे में लग जाता है अच्छे से। ये महाराष्ट्र भड़न की रेसिपी है। ये रेसिपी जब आपको बच्चे दोपहर के टाइम कहते हैं हमें भूख लगी है तो आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उनको चाय के साथ भी आप इसको दे सकते हो। और ये बड़ी जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये रेसिपी आप भी घर पे ट्राई कर लेना, कैसी बनती है मेरे को कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब कर देना। हाँ।